कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बयान को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। राहुल ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए दो हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था, लेकिन इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में मौखिक रूप से माफी मांगी थी और इसके साथ ही नया हलफनामा दाखिल करने की मोहलत भी मांगी गई। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था और इस पर राहुल ने कहा था कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार ही चोर है। इसके बाद भाजपा के नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का केस दायर करवाया और इस पर कोर्ट ने राहुल को बिना नोटिस जारी किए ही जवाब मांगा था। राहुल ने 22 अप्रैल को माना था कि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा और गर्म चुनावी माहौल में जोश में उनके मुंह से ये बात निकल गई। उन्होंने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया है।